बढ़ते हैं खबरों में आगे। आतंकी संगठन SFG ने हिमाचल के मुख्यमंत्री को धमकी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जान से मारने की धमकी। हिमाचल में कई लोगों के फोन पर धमकी भरे फोन आ रहे हैं। देहरा में 15 अगस्त को सीएम सुक्खू तिरंगा फहराने वाले हैं। पहला यह मौका है जब देहरा में कार्यक्रम हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख हम करेंगे एक बार फिर से खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज का। मनोज, देखिए आतंकी संगठन की तरफ से कहा जा रहा है धमकी आ रही है और पहला ये मौका है जब देहरा में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और इस धमकी को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है? आरती, देखिए जिस तरह से कल 15 अगस्त का मौका है और पहली बार देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह मनाया जाएगा, उससे पहले जो है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो आतंकी संगठन से संबंध रखते हैं, उन्होंने एक बार फिर से हिमाचल के लोगों को फोन के माध्यम से जो है वो धमकी दी है कि कोई भी वहां पर मौजूद ना हो, कोई भी वहां तिरंगा फहराने ना जाए। ऐसे में देखिए जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पहले से ही अलर्ट पर हैं और पूरी सुरक्षा जो है वो उसमें कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए पहले से ही पूरी सुरक्षा गठित कर ली गई है। सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है क्योंकि पहली बार ये कार्यक्रम देहरा में होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जयराम ठाकुर, तो उनके वक्त भी इसी तरह की धमकियां आती थी, कई सारे लोगों को इस तरह की धमकियां आई हैं और अब भी जो है अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कारण उनको लेकर के भी धमकियां जो है वो कई लोगों के फोन पर फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, उन कॉल्स के माध्यम से जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन देखिए इससे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि देखिए सुरक्षा एजेंसियां पहले ही अलर्ट मोड पर हैं, सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है और किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो देखिए जिस तरह से पहले भी कई सारी धमकियां इसी प्रकार से निकल कर आई हैं, कई वीडियो जो है वो पन्नू द्वारा रिलीज किए गए हैं लेकिन उसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि पन्नू ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि हिमाचल जो है वो खालिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। लोगों से अगर बात की जाए तो लोग यही कहते हैं कि सिर्फ ये गीदड़ भभकियां हैं, गीदड़ भभकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे ही अभी ये एक बार फिर से एक ऑडियो जो है वो निकल करके सामने आई है, साथ ही लोगों को फोन कॉल जा रहे हैं और धमकाया जा रहा है लेकिन इसका असर जो है वो आम जनता पर पड़ने वाला नहीं है। और जिस तरह से हर वर्ष 15 अगस्त का जो महोत्सव है उसको मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जाएगा। आरती, चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो ऑडियो क्लिप किस तरह की सामने आई है एक बार आपको वो और दिखाते हैं। $1,00,000 जेड़ा सीएम सुक्खू नू रोकेगा, 15 अगस्त डिप्टी कमिश्नर हेमराज, SDM शिल्पी, स्टे होम स्टे सेफ। The issue is between pro-Khalistan Sikhs and Modi government. 15 August, target is Sukhu at Dogra Stadium.